हर रोज की तरह उस रोज भी मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि अचानक मेरी शर्ट का बटन टूटकर गिर गया। मैं माँ के पास गया और जाकर बोला, माँ मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, इसे सिल दो। थोड़ी दूर मेरे बाबा जो चाय की चुस्कियां ले रहे थे वो मुस्कुराए। जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा उन्होंने अखबार के पन्नों में अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे बाबा जो अब रिटायर्ड थे आजकल अपना सारा वक्त घर में ही बिताया करते थे। हर सुबह की शुरुआत माँ और बाबा की अनबन से शुरू होती और हर शाम को दोनों साथ मिलके चाय का प्याला हाथ लिए एक दूसरे से गैरों के किस्से बांटा करते। उस दिन मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई मगर कॉलेज जाने की जल्दी में उनसे पूछ ना सका। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि बाबा की शर्ट का बटन टूटा हुआ है। मैंने बाबा से बोला, बाबा आपकी शर्ट का बटन टूटा हुआ है। वो फिर मुस्कुराए। मुझे फिर हैरानी हुई। मैंने इस बार उनसे पूछ ही लिया, बाबा मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर पूछा, बाबा बताओ ना। वो शांत रहे। मैंने भी चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि इस बटन के शर्ट के बटन के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। वो थोड़े हिचकिचाए, फिर उन्होंने बताना शुरू किया। शायद उन्हें भी उन लम्हों को किसी के साथ बैठ याद करना था। उन्होंने बताया कि जब भी वो ऑफिस जाया करते थे तो वो अपनी शर्ट का बटन जानबूझ के तोड़ लिया करते थे, फिर माँ को बुलाकर उसे सिलने को कहा करते थे। इस बहाने से वो माँ को जाने से पहले जी भर के देख लिया करते थे। ये सुन के हैरानी सी हुई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही छोटे छोटी बातें हुआ करती थी जो हमें एक दूसरे को करीब लाया करती थी और हमें खुशी दे जाया करती थी, और आज भी वो याद बन मुस्कान दे जाया करती हैं। उस दिन एक बात समझ में आई कि खूबसूरत पलों का इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी भी पल को अपनों के साथ मिलके खूबसूरत बना लेना चाहिए। क्या पता हमारी जिंदगी में भी कोई बटन अहमियत रखने लगे। और एक छोटी सी कोशिश ना जाने किस किस पल में खुशी और अपनों को और करीब ले आए। थैंक यू।